हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड हर बार की तरह इस बार भी इस चैनल पर आपको स्वागत है। और मैं आपको इस चैनल में आज दिखाने वाला हूँ कि एक छोटा सा रोलर जो है एक छोटे से स्पेस में किस तरह से कंपैक्शन करते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग के पास एक बड़ा सा रोलर भी है, लेकिन इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पेस जो है हम लोग का यहाँ पे 2 मीटर का है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे छोटा सा रोलर का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक ख़ास बात यह है कि अगर हमको छोटा सा रोलर से हमको कंपैक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को एक ख़ास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा सा रोलर है, इसका वेट भी कम है। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा कंपैक्शन होता है। और यहाँ पे जो है छोटा सा रोलर है, इसका वेट भी कम है, इसलिए कंपैक्शन करने की कैपेसिटी इसका कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छा से अच्छा कंपैक्शन के लिए हम लोग इसका लेयर का थिकनेस जो है ये हम लोग कम से कम रखेंगे, यानी कि 100 mm का थिकनेस रखेंगे। और इससे हम लोग को जो है कंपैक्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को जो है इसका स्पीड जो है बहुत ही स्लो रखें। और हम लोग स्पीड जितना स्लो रखेंगे उतना कंपैक्शन हाई होगा और अच्छा होगा। आपको सामने दिखाई देगा कि इसका स्पीड बहुत ही कम है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।